हेलो फ्रेंड्स, इस समय जो है इलेक्शन का टाइम चल रहा है और कल हमने भी वोट डाला है, ये हमारा निशान है। कुछ लोगों का आग्रह था कि इलेक्शन के टाइम में थोड़ा सा हम लोग जो होता है लोकतंत्र के बारे में बात करें या जो होता है उससे संबंधित जो होता है जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है उस पर बात रखने के लिए कुछ लोगों ने अनुरोध किया था। तो आज हम जो होता है उस पर बात रखना चाह रहे थे कि आपके सोशलिस्ट आता है, एक सोशलिस्ट टर्म है जो कि समाजवादी है, समाजवादी है। सोशलिज्म इज अ पॉपुलिस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम बेस्ड ऑन पब्लिक ऑनरशिप कलेक्टिव और कॉमन ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। दोज मीन्स इंक्लूड्स द मशीनरी टूल्स एंड फैक्ट्रीज used to produce goods that aim to directly satisfy human needs। तो ये है कि हमारा जो है समाजवादी जो तंत्र है उसके तहत जो है कि समाजवाद एक आर्थिक सामाजिक दर्शन है। समाजवादी व्यवस्था में धन संपत्ति का स्वामित्व और वितरण समाज के नियंत्रण के अधीन रहता है, मतलब कि समाज को इससे लाभ होता है। स्पेसिफिकली जो लोगों को आराम देता है। दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है हमारा कम्युनिस्ट साम्यवादी। साम्यवादी क्या है? कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम दैट सीक्स टू क्रिएट अ क्लासलेस सोसाइटी इन विच द मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज माइंस एंड फैक्ट्रीज आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द पब्लिक। ये थोड़ा सा जो है समाजवाद से ऊपर उठ के है, ये साम्यवाद है। इसमें जो है समाजवाद की चरम परिणति है, इसको कहते हैं साम्यवाद। सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा के रूप में वर्णित है जिसमें संरचनात्मक स्तर पर एक समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाती है। इसमें एक सत्तावादी राज्य के माध्यम से एक समान समाज बनाना शामिल है जो बुनियादी स्वतंत्रता से इनकार करता है, मतलब कि यहाँ पे जो है इंडिविजुअल जो है आज़ादी नहीं है, एक स्पेसिफिक जो है समान समाज का निर्माण किया जाता है, उसके तहत जो होता है सारा सिस्टम चलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कैपिटलिस्ट पूंजीवादी। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती है और भी इससे संबंधित है, फासीवाद है, नाजीवाद है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम देख लें पूंजीवादी क्या है, कैपिटलिस्ट। इसमें क्या है, कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द प्राइवेट ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर ऑपरेशन फॉर प्रॉफिट। सेंट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इंक्लूड्स कैपिटल एक्युमुलेशन, कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्राइस सिस्टम, प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी राइट्स, रिकॉग्निशन, वॉलंटरी एक्सचेंज एंड वेज लेबर। तो ये कहता है कि पूंजीवाद कहता है जो बुरी तरह से सेंट्रलाइज होता है पूंजी पे, कुछ स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों द्वारा जो होता है वो मैनेज होता है। इसमें भी लोगों को व्यक्तिगत सुविधा कम मिलती है, स्पेसिफिक लोगों को सुविधा मिलती है। पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहा जाता है जिसमें लाभ के लिए उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व होता है, यानी प्राइवेटाइजेशन होता है। इसमें निवेश, वितरण, आय, उत्पादन मूल्य, बाजार मूल्य इत्यादि का निर्धारण मुक्त बाजार में प्रतिस्पर्धा द्वारा निर्धारित होता है, मतलब कॉम्पिटिटिव टाइप का जो होता है वर्क होता है, फाइनेंस बेस्ड होता है। उसके बाद एक और टर्मिनोलॉजी यूज होती है फांसीवाद। इसको फांसीवाद भी कहा जाता है और नाजीवाद भी कहा जाता है। कैसे कहते हैं ये आप सुन लीजिए।
फांसीवाद क्या है? एक तानाशाह की अगुवाई वाली सरकार है जो समाज के हर पहलू को, धनी अल्पसंख्यकों को शीर्ष पर रखने का नियंत्रण करती है, मतलब कि धनी लोगों को टॉप पे रखती है, ये इसका तरीका होता है। दूसरा एक टर्मिनोलॉजी होती है नाजीवाद, यह एक राजनीतिक प्रणाली है जो राष्ट्रवादी भावना से बाहर निकलती है, जहाँ तक तानाशाह अपने समर्थकों के साथ देश पर शासन करता है जैसे कि वह चाहता था। तो इस तरह से जो होता है ये हो गया आपकी पूंजीवादी। इसके बाद हम बात करेंगे कि इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की बात होती है, रिपब्लिक की बात होती है, गणतंत्र की बात होती है, लोकतंत्र की बात होती है, जनतंत्र, प्रजातंत्र, ये सारी टर्मिनोलॉजी का यूज़ होता है। तो इसको मैं जो होता है थोड़ा सा विस्तार में इसको बताने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या संबंध है। डेमोक्रेटिक को जो है लोकतांत्रिक भी कहते हैं या जनतांत्रिक कहते हैं या प्रजातांत्रिक कहते हैं, तीनों ही टर्मिनोलॉजी यूज होती है। डेमोक्रेसी का चलिए ये जो है लोकतंत्र पर हम लोग देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल By the people and for the people, given by the Abraham Lincoln. So, अगर हम हिंदी में देखें तो जनता का शासन, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन, ये हो गया। Laws are made by the majority. The will of the majority has the right to override the existing rights. ये हो गया आपका democratic, दूसरा हो गया republic, गणतंत्र। अच्छा, राजतंत्र प्रजातांत्रिक जो कहते हैं, राजा प्रजा वाला सिस्टम है उसकी तरह है, तो एक तरह समझ लिया, मान लिया जाता है कि जो भी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो उसको राजा मान के जो होता है, या मुख्यमंत्री को राजा मान के जो होता है, प्रजा मान लिया जाता है पब्लिक को, ये इस तरह से ये शब्द आया हुआ है। जनतांत्रिक जो है जनता संबंधित है, पब्लिक को लेके कि पब्लिक वोट देती है, 18 साल के बाद वोटिंग स्टार्ट होती है, तो इसलिए इसको जनतांत्रिक कहते हैं। लोकतांत्रिक इन लोगों के तंत्र है इसलिए लोकतांत्रिक कहते हैं। फिर आ गया आपका रिपब्लिक हो गया गणतंत्र। लॉज आर मेड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है, न कि शासकों की निजी संस्थान या संपत्ति, तो ये हो गया गणतंत्र। तीसरा एक दोनों का मिला जुला है वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये भारत भी जो होता है इसी के तहत आता है। सरकार का वह रूप है जो गणतंत्र और लोकतंत्र से अपनाए गए सिद्धांतों पर काम करता है। इस तरह से हम लोग समझे जो होता है कि पूंजीवाद क्या है और दूसरा जो होता है समाजवाद क्या है और साम्यवाद क्या है। तो तीनों ही बहुत ही अच्छे हैं। अब इसमें बेस्ट कौन सा होगा, यदि पूंजी डेवलप करना है यानी कि डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो पूंजीवाद अच्छा है। दूसरा अगर समाज का लोक कल्याण हो गया, लोगों का कल्याण हो गया, तो आपका जो होता है समाजवाद सही है, समाज के लिए ठीक है, लेकिन सारे समाज का हो तब, केवल एक समाज को बढ़ावा दिया जाए तो लाभदायक नहीं है। तीसरा है जो है साम्यवाद, साम्यवाद के तहत भी देखा जाए तो ये प्रोफेशनल्स होते हैं पूरी तरह से, दोनों के लगभग बीच में होते हैं, पूंजीवाद न पूंजीवादी होते हैं न समाजवादी होते हैं, इन बिटवीन होते हैं, तो उनका रोल काफ़ी हद तक अच्छा होता है। जहाँ तक देखा जाए कि शासन जो होता है में तीनों क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो होता है, एक लोकतांत्रिक भी होनी चाहिए, जो है समाजवादी भी होनी चाहिए, दूसरा साम्यवादी भी सोच होनी चाहिए, तीसरा पूंजीवाद, और तीनों के बीच में कंट्रोल होना चाहिए। यदि समाजवादी बहुत ज़्यादा हावी होता है तो पूंजीवाद को रोक लगाना चाहिए, साम्यवादी भी अत्यधिक हावी होता है यदि लोगों पे, तो वहाँ भी जो होता है आपका जो होता है समाजवादियों को और जो होता है पूंजीवादियों को उस पर रोक लगाना चाहिए।
पूंजीवाद भी यदि अत्यधिक हावी होता है सिस्टम पे, तो वहाँ पे जो होता है साम्यवादियों को और जो होता है समाजवादियों को उसको रोक लगाना चाहिए। तो ये एक सिस्टम जनरेट होना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए तीनों में। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।